कम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय देना नहीं आता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंट्रोडक्शन परिचय नहीं दे पाते हो, आपको कंफ्यूजन होती है, तो आपको इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है फ्रेंड्स को। और ये वीडियो देखने के बाद आप कहीं भी कभी भी अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दे सकते हो। फ्रेंड्स, आप जॉब इंटरव्यू में दे सकते हो, कॉलेज में दे सकते हो, किसी गेस्ट के साथ मिलते हो उसके साथ दे सकते हो, या फिर आप किसी स्ट्रॉन्गर पर्सन के साथ मिलते हो फ्रेंड्स, उसके साथ भी अपना इंट्रोडक्शन परिचय दे सकते हो फ्रेंड्स, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ फ्रेंड्स, वो भी फ्रेंकली होके आप बोलने वाले हो फ्रेंड्स के, और ये आप इंग्लिश में देने वाले हो। ओके, आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दे पाओगे फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है फ्रेंड्स, वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूँ फ्रेंड्स। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जॉब इंटरव्यू में आप अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, अपना परिचय कैसे दे सकते हो फ्रेंड्स। ये एक कंप्लीट वीडियो है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है फ्रेंड्स। ओके, और अपना कॉपी और पेन ले लेना है, कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इसको प्रैक्टिस कर लेनी है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या नमस्ते फ्रेंड्स। ओके, ये आपको समय के अकॉर्डिंग बोल लेना है। अब अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय देने से पहले फ्रेंड्स आपको इस चीज को फॉलो करना है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स उसके बाद अब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है माय नेम इज। ओके, इसको आप माय सेल्फ भी बोल सकते हो और माय नेम इज भी बोल सकते हो और आई एम भी बोल सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा जो रहता है वो रहता है माय नेम इज। ओके, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है माय नेम इज, उसके बाद में आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल रहा है, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है फ्रेंड्स। और आपको जो स्पेस देखने को मिल रहा है वहां पर आपको अपना नाम लिख देना है। लाइक फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत है, तो माय नेम इज निशांत, तो ये ऐसे हो जाएगा। आपका नाम सुधीर है, माय नेम इज सुधीर, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, ये करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको एक दूसरी लाइन स्क्रीन पे शो हो रही है फ्रेंड्स। ओके, आई एम ईयर्स ओल्ड। ओके, तो फ्रेंड्स आई एम के बाद आपको जो स्पेस देखने को मिल रहा है वहां पर आपको लिखना है कि आप कितने साल के हो। ओके, ये वीडियो को पॉज करके भी फ्रेंड्स आप कॉपी पे नोट कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके, आई एम के बाद आपको देखने को मिल रहा है स्पेस, तो वहां पर आपको लिख देना है आप अपने आधार के अकॉर्डिंग आप कितने साल के हो। लाइक मैं 21 ईयर्स का हूँ, तो मैं लिख दूंगा 21 ईयर्स ओल्ड, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो ये आपको लिख देना है फ्रेंड्स, और ये भी लाइन आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेनी है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स उसके बाद अब आपको एक दूसरी, एक तीसरी लाइन शो हो रही है स्क्रीन पे, आई एम बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आई एम बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। फ्रेंड्स, अगर आप लाइक किसी दूसरी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो मिडिल क्लास को हटा के आपको उस फैमिली का नाम लिख देना है, और ये भी लाइन आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेनी है फ्रेंड्स। ओके, और अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जरूरत आपको लाइफ टाइम तक होने वाली है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स अब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है आई बिलोंग टू बट करेंटली आई एम लिविंग इन। ओके, तो ये लाइन आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देखने को मिला आई बिलोंग टू। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो देखने को मिला आई बिलोंग टू के आगे जो स्पेस देखने को मिला है आपको वहां पर लिखना है फ्रेंड्स कि आप कहाँ के रहने वाले हो। लाइक मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ फ्रेंड्स, आई बिलोंग टू, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लखनऊ का रहने वाला हूँ मैं। आप जहाँ के रहने वाले हो, आपका जहाँ पे घर है फ्रेंड्स, वहाँ का एड्रेस यहाँ पे लिख देना है फ्रेंड्स, आई बिलोंग टू के आगे जो आपको स्पेस देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको इसमें देखने को मिला बट करेंटली आई एम लिविंग इन। ओके, तो ये जो फ्रेंड्स आपको लिविंग इन देखने को मिला है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप लखनऊ के रहने वाले हो, तो प्रेजेंट टाइम आप कहाँ पे रह रहे हो वो यहाँ पे लिख देना है। लाइक मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ बट करेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली, तो फ्रेंड्स दिल्ली का एड्रेस मैं यहाँ पे लिख दूंगा जहाँ पे मैं रह रहा हूँ फ्रेंड्स, लिविंग इन के आगे जो स्पेस देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहीं पर रह रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मैं ये लाइन नहीं नोट करूंगा, बट करेंटली आई एम लिविंग इन ये मैं नोट नहीं करूंगा, मैं बस इतना करूंगा आई बिलोंग टू लखनऊ। ओके, और वहाँ का एड्रेस भी यहाँ पे बता दूंगा फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स उसके बाद अब आपको एक लाइन स्क्रीन पे शो हो रही है एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्नड। ओके, तो फ्रेंड्स कंसर्नड का जो मतलब होता है हिंदी में वो जहाँ की बात है। ओके, तो जहाँ तक मेरी एजुकेशन की बात है इसका ये मीन हो जाएगा, तो ये लाइन आपको अपनी पूरी कॉपी पे नोट कर लेनी है एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्नड। ओके, तो फ्रेंड्स ये लाइन आपको अपनी फुल कॉपी पे नोट कर लेनी है फ्रेंड्स। ओके, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके,
उसके बाद आपको देखने को मिला आई हैव कम्प्लीटेड माई, ओके फ्रेंड्स ये लाइन आपको देखने को मिल रही है आई हैव कम्प्लीटेड माई के आगे थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स जो आपको स्पेस देखने को मिल रहा है आपको वहां पे लिखना है कि आप क्या कर चुके हो, लाइक आपने अपनी 10वीं कर ली है या आपने अपनी 12वीं पास कर ली है या आपने अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया। जो फ्रेंड्स आप पास कर चुके हो वो आपको लिखना है आई हैव कंप्लीटेड माय के आगे, ओके जो आपको स्पेस देखने को मिला है लाइक आपने अपनी 12वीं पास कर ली तो यहाँ पे 12वीं लिख देनी है, 10वीं कर ली है 10वीं लिख देनी है, ग्रेजुएशन कर लिया ग्रेजुएशन लिख देना है फ्रेंड्स, ओके। तो ये लिखने के बाद आपको देखने को मिला फ्रॉम, फ्रॉम के आगे थोड़ा सा स्पेस देखने को मिला है और जो फ्रॉम के आगे फ्रेंड्स आपको स्पेस देखने को मिला है आपको वहां पे लिखना है कौन से बोर्ड से की है कौन से सन में की है, ये आपको वहां पे लिख देना है फ्रेंड्स, ओके। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको एक लाइन शो हो रही है आई एम परसुइंग, ओके। तो फ्रेंड्स ये लाइन आपको शो हो रही है स्क्रीन पे आई एम परसुइंग के आगे आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है आई एम परसुइंग के आगे फ्रेंड्स, जो आपको स्पेस देखने को मिल रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हो फ्रेंड्स। अगर आपने अपनी 10वीं कर ली थी तो अब आप अपनी 11वीं कर रहे हो या 12वीं कर रहे हो, या आपने अपनी 12वीं कर ली थी तो आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो बी ए बी एस सी, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है आई एम परसुइंग के आगे आपको जो स्पेस देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, ओके। और उसके बाद फिर आपको फ्रॉम देखने को मिल रहा है कौन से बोर्ड से कौन से सन में कर रहे हो फ्रेंड्स, ओके। तो ये आपको लिख देना है फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स एक चीज मैं कह दूं कि अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो वीडियो को आप एक बार फिर से पॉज कर सकते हो, पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो फ्रेंड्स, या फिर वीडियो को आपको अगेन वॉच कर लेना है फ्रेंड्स, ओके। क्योंकि इसकी जरूरत आपको लाइफ टाइम तक होने वाली है फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आई एम परसुइंग के आगे आपको लिखना है जो आप कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, वो ग्रेजुएशन कर रहे हो बीए या हाई स्कूल या ट्वेल्थ या अलेवन जो भी कर रहे हो वो आपको लिख देना है, फ्रॉम के आगे कौन से बोर्ड से कर रहे हो वो भी आप लिख सकते हो फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स उसके बाद अब आपको एक और लाइन शो रही है इसमें एंड आई हैव डन, ओके। तो फ्रेंड्स ये आपको लाइन शो रही है एंड आई हैव डन, उसके आगे थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल रहा है, तो फ्रेंड्स इस पे आपको क्या लिखना है आई एंड आई हैव डन के आगे। तो फ्रेंड्स लाइक अगर आपने कोई 2 महीने का कोई कंप्यूटर कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स, कोई ट्रिपल सी, 1 साल का ADSA या 2-3 महीने का कोई कोर्स किया है फ्रेंड्स, तो वो या यहाँ पर आप लिख सकते हो एंड आई हैव डन के आगे जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं किया ये तो ये लाइन आपको अपनी कॉपी पे नोट नहीं करनी है फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ एंड आई हैव डन ये कॉपी पे आपको नोट नहीं करनी है अगर आपने कोई 2-3 महीने का कोर्स नहीं किया है फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स ये होने के बाद अब आपको स्क्रीन पे शो रही माय हॉबीज आर, ओके माय हॉबीज आर। तो फ्रेंड्स आपके क्या शौक हैं, आपको कौन सी चीज़ें करना पसंद है वो आपको यहाँ पे लिखना है माय हॉबीज आर, और इससे रिलेटेड आपके इंटरव्यू और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको वही लिखना है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, माय हॉबीज आर लाइक मेरी हॉबीज है प्लेइंग क्रिकेट, म्यूजिक, ट्रैवलिंग, ओके या जिम। तो मैं ये लिख दूंगा फ्रेंड्स आपकी जो हॉबीज है, आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, रनिंग करना पसंद है, जिम करना पसंद है, ड्राइविंग करना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, वाट एवर आपकी जो भी हॉबीज हैं वो आपको लिख देना है माई हॉबीज आर के आगे आपको जो स्पेस देखने को मिल रहा है वहाँ पर फ्रेंड्स, ओके। तो ये भी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, इसको भी आपको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद आपको एक लाइन शो रही है स्क्रीन पर माई स्ट्रेंग आर, ओके माई स्ट्रेंग आर की आपकी क्या ताकत है। तो यहाँ पर आपको लिखनी है आप स्मार्ट वर्क करते हो, आप हार्ड वर्क करते हो फ्रेंड्स, ओके, या आप हॉनेस्ट पर्सन हो, खुद पे विश्वास करते हो, बिलीव इन सेल्फ। तो ये आपको यहाँ पे लिख देनी है आपकी जो ताकत है फ्रेंड्स, ओके माई स्ट्रेंग आर के आगे जो आपको स्पेस देखने को मिल रहा है स्पेशली वहाँ पर, ये आपको लिख देनी है और कॉपी पे भी नोट कर लेनी है और फ्रेंड्स अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स ये होने के बाद अब आते हैं फैमिली के बारे में, ओके। तो फ्रेंड्स फैमिली आप के बारे में आते हैं, तो फ्रेंड्स आपको एक फिर से एक लाइन स्क्रीन पे शो हो रही है एज फॉर एज माय फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्नड, ओके। तो फ्रेंड्स जहां तक मेरी फैमिली की बात है तो इसका हिंदी में मीन ये होता है एज फॉर एज माय फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्नड, ओके। तो फ्रेंड्स ये लाइन आपको पूरी ये कंप्लीट लाइन आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेनी है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है एक लाइन शो हो रही आई हैव मेंबर्स इन माय फैमिली, ओके। तो फ्रेंड्स आई हैव के आगे आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिला है, आई हैव के आगे आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिला है, तो वहाँ पर आपको लिखना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, लाइक 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, 10 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनको आपको लिख देना है लाइक आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो ये मैं अपनी फैमिली का बता रहा हूँ, आई हैव 8 मेंबर्स इन माई फैमिली, आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो आपके फैमिली में जितने लोग हैं उतने आपको यहाँ पर मैंसन कर देने हैं, और ये भी लाइन आपको अपनी
कॉपी पे नोट कर लेनी है फ्रेंड्स। ओके तो फ्रेंड्स उसके बाद अब आपको एक और लाइन स्क्रीन पे सो रही है, माई फादर ही इजा। ओके तो फ्रेंड्स ये लाइन आपको स्क्रीन पे सो रही है माई फादर ही इजा के आगे जो आपको स्पेस देखने को मिल रहा है तो वहां पर फ्रेंड्स आपको लिखना है कि आपके पिताजी क्या वर्क करते हैं, फार्मर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, व्हाटएवर जो भी करते हैं वो आपको लिख देना है फ्रेंड्स। माई फादर ही इजा के आगे जो आपको स्पेस देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ओके तो ये लिखने के बाद आपको एक लाइन और सो रही है एंड माई मदर सी इज अ। फ्रेंड्स ये लाइन आपको सो रही है एंड माई मदर सी इज अ के आगे आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिला कि आपकी माता जी क्या काम करती हैं। ओके तो यहाँ पर आपको लिखना है एंड माई मदर सी इज अ के आगे आपको जो स्पेस देखने को मिला है आपकी माता जी क्या करती हैं, घर पे रहती हैं, होम मेकर लिख सकते हो, हाउस वाइफ लिख सकते हो, फ्रेंड्स नर्स हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं या कोई दूसरा वर्क करती हैं तो फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पे लिख देना है फ्रेंड्स। ये लिखने के बाद आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। ओके ये फ्रेंड्स कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। ऐसा आपको यूट्यूब पे कभी अभी तक नहीं मिलेगा, कोई भी वीडियो में आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा फ्रेंड्स। ओके तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है फ्रेंड्स क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको लाइफ टाइम तक पड़ने वाली है। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करना है फ्रेंड्स। ओके तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो देखना तो भी आप मुझे बता सकते हो फ्रेंड्स। ओके तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड लुक, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। जय हिंद।